2010. Discussion under 193. No more atrocities against scheduled castes and scheduled tribes. Kamal Kishore. Sumitra Mahajan. Please. माननीय सभापति जी, माननीय सभापति जी, वैसे इस विषय पर हमेशा कुछ न कुछ चर्चाएं चलती हैं। कोई मामला ऐसा होता है तो हम यहां पर सदन में उठाते हैं, उतना एक शोरगुल हो जाता है और बात समाप्त होती है। मैं इसमें कोई एक एक मामले तो नहीं उठाना चाहूंगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये ऐसा वर्ग है इस देश का कि आज आजादी के इतने साल बाद भी कई सारी योजनाएं हम चलाते हैं, कई बार ये हमारा प्रयास भी रहता है इनके उत्थान के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गलती हो रही है। कहीं ना कहीं हमारे या तो काम करने के तरीके में या हमारी समझ में कहीं ना कहीं गलती हो रही है। मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगी, मेरा इतना ही कहना है, अगर आज हम इन बातों पर ध्यान नहीं दें, साधारणतया हम ये देखते हैं जब किसी आदिवासी लड़की पर अत्याचार होता है तो वो लड़की हो या लड़का उम्र में बहुत छोटे रहते हैं, उनकी जैसे अवस्था जो रहती है हम कहते हैं अधकिली कली जैसी। अभी अभी जो बहुत बड़ी बड़ी बातें यहाँ नारीवादी की जो लोग करते हैं, उनके अपने राज्य की एक घटना अभी ताजी है इसलिए मैं उसका उदाहरण दे रही हूँ कि जो पश्चिम बंगाल में वीरभूम में घटना हो गई, 16 साल की लड़की के साथ घटना होती है, उसको नग्न करके 3-4 गांवों में घुमाया जाता है वीरभूम डिस्ट्रिक्ट में, जहां से ये लोग अभी बातें उठा रहे थे ऑनर किलिंग पे, बड़ी बड़े लंबे भाषण हमारे साथी सीपीआईएम वाले वगैरह यहां करते हैं, उनके अपने प्रदेश में घटना होती है। मैं चिंता दूसरी बात की प्रकट कर रही हूं कि घटना होने के बाद भी उसकी दखल नहीं ली जाती है, महीना भर तो घटना बाहर आने से रोकी जाती है, बड़ी मुश्किल में महीना डेढ़ महीने बाद मीडिया में बात उजागर हो जाती है। बात उजागर होने के बाद जब लोग सक्रिय हो जाते हैं, ढूंढना शुरू करते हैं, हमारी अपनी राष्ट्रीय मंत्री वहां पर खुद गई थी उनसे मिलने के लिए, देखने के लिए, तो वहां पर आलम ये था गांव में कि गांव में कर्फ्यू जैसी स्थिति निर्मित कर दी गई थी, घरों में लोग नहीं थे या तो बाहर भगा दिए गए थे। एक संपूर्ण दिवस पुलिस को साथ में लेकर के उस गांव में बात करने के लिए ढूंढना पड़े लोग, कोई बोलने के लिए तैयार तक नहीं था, और फिर बड़ी मुश्किल से जानकारी मिल जाती है कि लड़की को कहीं नारी निकेतन में रखा गया है। जब वो लड़की के लिए मिलने जाती है तो वास्तव में उस लड़की की स्थिति एक घायल परिंदे जैसी थी। 16 साल की लड़की है मगर 16 साल में दिया बुझा दिया गया था। मुझे डर इस बात का है, मैं घटना का उल्लेख इसलिए कर रही हूँ, आगे जो बात है, एक डर मन में पैदा होता है। अब इस तरीके की जब घटना होती है, सरकार के द्वारा दखल तो ली नहीं जाती, बात दबाने की कोशिश होती है, कोई अरेस्ट नहीं होता है, और यहाँ तो बड़ी बड़ी बातें होती है, मगर ऐसी घटनाएं अगर होती रहे तो वो जो लड़की की आंखों में, जो हमारी राष्ट्रीय मंत्री गई थी उसने जो आंखों में भाव देखे, वो प्रश्न पूछ रही थी मेरा दोष क्या है, केवल किसी दूसरे जाति लड़के लड़के से मेरा प्रेम था, ये संशय आने के बाद मेरी ये स्थिति हो जाती है। और आप कल्पना कीजिए 16 साल की लड़की के साथ ये घटना होती है तो वो या तो ये होगा कि दिया बुझ जाएगा, मगर दूसरी भी बात हो सकती है कि वो कल अग्निशिखा बन करके पूरे समाज से विद्रोह भी कर सकती है।
आज हम सामाजिक विद्रोह की जो बातें सामने आती है उसको नाम हम अलग अलग देते हैं, कभी लगता है नक्सलवाद, कभी कुछ, या कभी दस्यु बन जाती है, या लड़कियां भी बन जाती है, या पूरा समाज कहीं खोल उठता है, तो एक भयावह स्थिति निर्मित हो सकती है। इस दृष्टि से, इस पूरे बातों के ऊपर इस दृष्टि से ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं कोई किसी पश्चिम बंगाल सरकार की केवल दोष निकाल रही हूं, ऐसा नहीं है, लेकिन बात यह है हम सभी लोग ऐसा लगता है केवल चर्चा करते हैं, मगर जैसे उस लड़की को एक सामने रख करके मेरे मन में बात आई कि ऐसी अवस्था में एक जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी आवश्यक होती है, समाज को भी अलग तरीके से ट्रीटमेंट मिल रही है। आज बाहर से आकर के बाहरी कुछ तत्व यहाँ पर मूल निवासी की बात उठा रहे हैं और लोगों को भड़काया जा रहा है। यहाँ पर एक बात ये भी होती है, मुक्ति तत्व ज्ञान, लिबरेशन, ऐसी एक मुक्ति तत्व ज्ञान की बात फैलाकर भी इन लोगों में अलगाववाद पैदा किया जा रहा है, और उसमें अगर ये इस प्रकार की घटनाएं होती रहे तो आज जो हम सोचते हैं हिंदुस्तान का जो एक रसता है, ये एक रसता पर प्रहार होता है। सरकारी योजनाएं मैं थोड़ा कहना चाहूंगी, योजनाएं बहुत सारी है भूरिया जी, बहुत सारी योजना, करोड़ों रुपया खर्च होता है। मैंने अनुभव किया है, मैं सोशल जस्टिस की स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन थी, अलग अलग प्रदेशों में जाती थी और मैं पूछती थी कितना करोड़ खर्च किया गया, करोड़ तो बताया जाता था, फिर मैं पूछती थी सक्सेस स्टोरीज तो बताओ, कितने लोग जो बीपीएल की श्रेणी में थे, बीपीएल श्रेणी के लोगों के लिए अगर योजना लगाई ऐसे आदिवासियों के लिए या ऐसे अनुसूचित जाति के लोगों के लिए, कितने लोग बीपीएल से ऊपर उठ गए तुम्हारी योजना के कारण, कोई रिकॉर्ड नहीं है। जितने करोड़ खर्च किए गए उसमें लाभार्थी कितने हो गए और लाभार्थियों में सक्सेस स्टोरी, कोई ढंग का रिकॉर्ड नहीं है, करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है। लेकिन फिर भी ये जो एक सामाजिक एक रस्ता की बात है उसके लिए कोई प्रयास नहीं होते हैं। ऐसे जो बाहरी तत्व यहाँ पर आकर के अलगाववाद फैला रहे हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होती। और सबसे ज्यादा मुझे केवल इतना ही बताना था अध्यक्ष जी, बहुत ज्यादा नहीं, मैं समाप्त ही कर रही हूँ, कि ये हम घटनाओं का उल्लेख करके कि कहाँ कोई जाति हो गई और उस समय हम उल्लेख करते हैं, फिर कुछ मुआवजा दिया जाता है, कुछ लाख का मुआवजा दे करके जो टूटी हुई जिंदगी है, जो टूटा हुआ व्यक्तिमत्व है, जो टूटा हुआ समाज है, वो समाज फिर से खड़ा हो सकता है क्या? वो टूटी हुई जिंदगी मानसिक रूप से जो टूट जाती है वो क्या फिर से ठीक तरीके से एक अच्छा सिटीजन बनके खड़ा हो सकता है क्या? ये सोचने वाली बात है और इस दृष्टिकोण से इन बातों पर ध्यान देना चाहिए, ये मेरा कहना है। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बहुत आवश्यक है। केवल नारी निकेतन में ऐसी लड़की 2 साल के लिए रही और फिर वो बाहर आई तो वो अच्छे तरीके से उस हादसे से भी बाहर, केवल वो नहीं उसका परिवार आ सकता है क्या? मेरा इतना ही कहना है, केवल एट्रोसिटीज के कुछ उदाहरणों की बात करके नहीं चलेगा, ये हमारे समाज का अंग है और इसलिए वो सड़ नहीं जाए, वो कहीं दुर्बल नहीं हो जाए किसी भी तरीके से। इस दृष्टि से इस पूरे बातों की तरफ हम देखेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा ठीक जाएगा। अशोक तनवार।